हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ स्टिल लाइफ ड्राइंग, जो कि आपके BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो स्टिल लाइफ ड्राइंग है, ये कुछ इस तरीके से है कि आपको ऑन द स्पॉट काम करना होगा। आप एक साइड देख सकते हैं, जो रेफरेंस पिक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो फ़ोन में दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट कंपोज करना है और उसी को बनाना है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट कंपोज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कंपोज किया है उसी को करना है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट कंपोज करके उसे देख के बनाना है। यहाँ पे मैं अभी आपको फ़ोन पे देख के बना रही हूँ ताकि आप लोग भी इसे देख सकें, लेकिन आप लोगों को फ़ोन पे देख के नहीं बनाना है। डायरेक्टली आपको अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट कंपोज करना है और सामने देख के बनाना है ऑन द स्पॉट। इसी को कहते हैं स्टिल लाइफ ड्राइंग। स्टिल जो हमारे सामने रखा है उसको देख के हूबहू बनाना। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो मैंने स्ट्रोक यूज़ करा है वो 45 डिग्री का स्ट्रोक यूज़ करा है। यहाँ पे मैं स्मूथ काम नहीं कर रही हूँ, ना ही मर्ज काम कर रही हूँ, ना ही हैचिंग क्रॉस हैचिंग काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रोक बेस्ड काम कर रही हूँ, जो कि 45 डिग्री का स्ट्रोक है। जैसे 45 डिग्री का एंगल होता है ना, उस पर जो लाइनिंग, जो 45 डिग्री की जो लाइन होती है, उसी लाइन, वही लाइन का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और पूरा कम्प्लीट ड्राॅइंग सिर्फ 45 डिग्री के स्ट्रोक बेस्ड पे काम है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब भी आप लोग स्टिल लाइफ काम करें, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर स्टिल लाइफ की भी तैयारी करें, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ख्याल रखना है कि जो आपका आउटलाइन स्केच है वो एकदम मस्त है, वो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मिस्टेक हुआ तो शेडिंग कितना भी अच्छा कर दीजिए आप, अगर आपके आउटलाइन में गड़बड़ है तो पूरा फोकस आपका जहाँ पे मिस्टेक है वहीं पे जाएगा। तो इसलिए आपका जो आउटलाइन है वो एकदम सही सही होना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्टिल लाइफ में, वो लाइट शेड होता है कि किस जगह पे कितनी लाइट पड़ रही है, कितनी डार्क पड़ रही है, उसका ध्यान रखना। यूजुअली जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में कि वो लाइट शेड का ध्यान नहीं रख पाते। वो उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो समझ सके कि किस पोजीशन पे कितनी ज़्यादा मात्रा में लाइट पड़ रही है और कितना डार्क। तो उनका जो शेड होता है वो लगभग एक जैसा होता है और आपको वैसा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें से सब में अलग अलग लाइट शेड अलग अलग तरीके से पड़ रही है, तो उस तरीके से आपको लाइट शेड देना है। और जो पेंसिल यूज़ करनी है, यहाँ पर मैं स्टेटलर की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप आर्ट लाइन की भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, फेबर कैस्टल की भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट लाइन की पेंसिल से भी अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टेटलर की वैसे पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और जब भी पेंसिल आप यूज़ करें, उसको पहले HB यूज़ करें, फिर 2B, फिर 4B, फिर 6B, फिर 8B, देन 10B, इस तरीके से लेयर बाय लेयर। ये नहीं कि एकदम से फर्स्ट टाइम पे ही अगर कहीं डार्क दिख रहा है आपको, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि अगर कहीं डार्क दिख रहा हो फर्स्ट टाइम पे ही आप 8B पेंसिल यूज़ कर दें, तो एकदम चीसा चीसा अच्छा नहीं दिखेगा। और आप टोन बाय टोन यूज़ करेंगे, पहले हल्का सेड, फिर उसके ऊपर डार्क सेड, फिर उसके ऊपर डार्क सेड, तो वो और अच्छा निकल के आएगा और रियल लगेगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रोक चलाना है। और यहाँ पे देखिए जो लाइट शेड, देखिए जिस तरीके से पड़ रहा है, मैंने उसको काम किया है स्ट्रोक में, वो बहुत अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरे में काम करना है। और यहाँ पे जो डैफरी है, जो नीचे जो डैफरी कपड़े को बोलते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट हैचिंग का काम किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा काम करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।